कानपुर के श्यामनगर स्थित मां विंध्यवासिनी के दरबार में मात्र अर्जी लगाने से ही सूनी गोद भर जाती है। यही नहीं, लोगों का रोजगार व विवाह संबंधित कार्य भी सफल हो जाते हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन एबीसी न्यूज की टीम ने श्यामनगर स्थित विंध्यवासिनी देवी के दरबार में जाकर मां विंध्यवासिनी देवी की महिमा के बारे में जाना। बताया जाता है कि मां विंध्यवासिनी का मंदिर साल 1988 में माया देवी ने की थी। इसके बाद उनके पुत्र अमित द्विवेदी यहां पर संचालित करते हैं। उन्होंने बताया कि इस दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। आपको बता दें कि सामान्य दिनों में सोमवार के दिन माता की गद्दी लगती है। जब लोगों का कार्य सफल हो जाता है और उसकी अर्जी पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद यहां पर मात्र एक नारियल और 5 रुपए की भेंट चढ़ाते हैं। 5 रुपए की जो भेंट चढ़ती है वे कन्याओं को दे दी जाती है। मां विंध्यवासिनी के दरबार में किसी भी प्रकार का चढ़ावा स्वीकार नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी माता जी ने 1952 में पदयात्रा भी निकाली थी, जिसमें विंध्याचल, शारदा देवी, करौली माता, वैष्णो देवी, मुंबा मैया व कालिका देवी समेत 25 दरबार में हाजिरी लगाई थी। यहां आए भक्तों ने बताया कि मां विंध्यवासिनी की कृपा से उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हुई है। कहते हैं नवरात के पावन दिनों में षष्ठी का संचालन मां भवानी के हाथ में होता है। पावन मां नवदुर्गा के समय आज ये 5वां स्कंद माता का दिन है और हम मौजूद हैं श्यामनगर के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर में, जहां के संचालक अमित द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ा नाम है, क्या महत्व है इस मंदिर का? इस महामंदिर का, विंध्यवासिनी माई का हमारा महत्व ये है कि यहाँ वह महामाई के जितने भक्त हैं वो अगर एक अर्जी लगाते हैं तो महामाई एक हफ्ते में महामाई सुनती हैं पूरा। 4 सोमवार में अगर दर्शन कर लिया जाएगा तो कोई भी कार्य होते हैं वो आराम से माता सुन के उसका पूरा मनोकामना पूर्ण करती है। और जो यहाँ कलावे बांधे जाते हैं नवरात्र में, वो 6 महीने बांधे रहते हैं, उससे आपकी बीमारी, लड़ाई और एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ों के लिए वो रक्षा कवच काम करती है। और यहाँ पर महामाई के भक्त बहुत दूर दूर से इस नवरात्रों में बनारस से, बॉम्बे, महाराष्ट्र, सब जगह से आते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लेडीज़ का और जो अपने भक्त हैं, जितने भी भक्त हैं, वो आके यहाँ महामाई से जो भी मनोकामना मांगते हैं उनको अपने आप बिना अर्जी के भी सुनती हैं। कहते हैं माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में सूनी गोद बहुत जल्दी भरती है, ऐसी मान्यता पूरे प्रदेश में है, तो क्या यहाँ पर किस तरह से लगता है? इसमें क्या होता है कि जब सूनी गोद जिनकी होती है उनको पता चलता है इस महामाई के दरबार का, तो यहाँ पर एक महामाई को अर्जी लिखी जाती है और वो अर्जी महामाई को लगाई जाती है उनके द्वारा, और महामाई 1 महीने के अंदर वो तुरंत उनका सुनती है, क्योंकि महामाई यहाँ पर सबके लिए बैठी हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो दूसरों को बताते हैं। तो यहाँ महामाई का जो भी मांगते हैं, पुत्र रत्न हो, चाहे किसी की शादी का हो, चाहे किसी की बीमारी का हो, महामाई सारा सबका बहुत मन से सुनती हैं। साल में एक बार कहते हैं बहुत बड़ी पद यात्रा यहाँ से निकल कर माँ विंध्यवासिनी के दरबार तक, उसका क्या? पहले हमारी जो माता श्री थी, हमारी महामाई, हमारी पूज्य माता श्री, वो पदयात्रा पूरी करके जाते हैं और मनोकामना जब पूर्ण होती है तो यहाँ नाल की भेंट चढ़ती है और 5 सिक्के के साथ नहीं फिर भी संचालन कर पा रहे हैं। चलिए, एबीसी न्यूज़ के तरफ बहुत शुभकामना आपको। तो ये श्यामनगर स्थित विंध्यवासिनी का मंदिर है, विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है, जिसकी मान्यता है कि यहाँ पर सूनी गोद बहुत जल्दी भरी जाती है। लंबी भारी संख्या में यहाँ से जो भक्तगण थे आज से लगभग 2-3 साल पहले तक यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए माँ विंध्यवासिनी के दरबार तक जाया करते थे, बहुत मान्यता है। आज भी हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। और बात अगर नवरात्र की जाए तो नवरात्र में इन भक्तों की संख्या बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाती है, न सिर्फ शहर से बल्कि पूरे प्रदेश से इस मंदिर में भक्तों का आवागमन लगा रहता है। कैमरामैन आदर्श श्रीवास्तव।